मेरे एक चाचा जी तो इतने अंधविश्वासी, कोई भी आदमी छींक मार दे उधर ही रुक जाते थे। एक दिन उनको लूज मोशन लगी हुई थी, मैंने छींका फिर नहीं रुके। रुको जरा, सबर करो। चाचा समझदार था, उसको पता मैं अंधविश्वासी हूँ, जो चीज आने वाली वो थोड़ी ना अंधविश्वासी है। गरज के साथ चीटे पड़े। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दुकान से जाके दूध लेके चल। दुकान वाला नहीं देता, अब तो वो फ्री में गाली भी नहीं देता। मेरी शक्ल देख के कहता आ गया, इसको फ्री में गाली देनी पड़ेगी। बगल वाले ना अपने पल्ला जी, उनकी भैंस खड़ी होगी, उससे जाके डायरेक्ट लेके आ। ऐसे ऐसे करके जाना, भैंस को लगेगा पड़ोसी का बछड़ा दे भी देगी क्या। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। क्या ना, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे ऐसे। मैं पिछली बार गया था ना ऐसे ऐसे, मैं भैंस के नीचे गया, भैंस बैठ गई सिद्धू भाई, दूध तो निकला नहीं मेरा, गोबर निकल गया। सर प्लीज, इसे नौकरी से निकाल दो या तो फिर मुझे नौकरी से निकाल दो, बस। मैं दोनों को निकाल सकता हूँ, उसको मैं तनख्वाह देता हूँ, तुम्हारी वजह से टिका हुआ है। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सर प्लीज, मुझे ना हाफ डे की छुट्टी दे दीजिए ना सर। हाफ डे की? हाँ, वो क्या है ना, अरे कहना क्या चाहते हो? मेरी बुआ आई हुई है तो मुझे ना बॉम्बे घुमाना है। बुआ आई है तेरी? हाँ, वही बुआ ना जिसका मोटरसाइकिल के पीछे कल बैंड्रा घूम रही थी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। काम करो, जल्दी जाओ और जल्दी आना, और सुनो, बुआ को पूरा बॉम्बे एक ही बार में नहीं दिखाना, थोड़ा क्रेज छोड़ देना चाहिए। आपकी शादी हो नहीं रही और मेरी शादी किसी ने करवानी नहीं है, तो क्यों ना कोई ऐसा काम करे कि घर की बात घर में ही रह जाए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आगे मेरी बुआ के दबा जाए यहां से। अब सिद्धू पाजी, रसमलाई मिलती नहीं, बंदा चूरन भी ना खाए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना।